अल्लाह की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान और पूजन शुरू हो चुके हैं। कर्मकुटी पूजन और प्रायश्चित अनुष्ठान शुरू हो चुका है। स्थान पर रामलला की मूर्ति गढ़ी गई है, वहां कर्मकुटी पूजन हो रहा है। मूर्ति बनाने के लिए जो छेनी हथौड़ी चली है उसका प्रायश्चित भी किया जा रहा है। 121 वैदिक आचार्य पूजन अनुष्ठान करा रहे हैं। वहीं कल 17 जनवरी को मूर्ति का परिसर प्रवेश होगा। इसके बाद तरह तरह की पूजाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 21 जनवरी को भी विशेष पूजा होगी, जबकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। बाईस जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए धार्मिक अनुष्ठान आज से शुरू हो गए हैं, जिसमें सबसे पहले कर्मकुटी पूजन और प्रायश्चित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसी विवेक सृष्टि ट्रस्ट में तमाम वैदिक आचार्य कर्मकुटी पूजन और प्रायश्चित अनुष्ठान कर रहे हैं। ये भी बताया गया है कि अरुण योगीराज, जिनकी मूर्ति ट्रस्ट की ओर से स्वीकार की गई है, जो रामलला के रूप में जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उस मूर्ति का निर्माण इसी विवेक सृष्टि ट्रस्ट में किया गया था। और जहां पर शिला से मूर्ति का निर्माण होता है वहीं पर कर्मकुटी पूजन किया जाता है। उस मूर्ति से क्षमा याचना की जाती है, प्रायश्चित किया जाता है कि मूर्ति गढ़ने के दौरान जो भी गलती हुई हो, जो छेनी हथौड़ी के जो वार वो इस शिला को सहने पड़े हों, उसके लिए प्रायश्चित किया जाता है। तो आज से इस धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज 18 अयोध्या। तो कल परिसर में प्रवेश करेंगे रामलला। ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता, जैसा कि जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से यहां पर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। 121 आचार्य वहां पर महापूजा करा रहे हैं, कर्मकुटी पूजन करा रहे हैं आचार्य, की जानकारी यहां पर दी जा रही है। कल परिसर में प्रवेश करेंगे रामलला, 18 जनवरी को मूल स्थान पर विराजमान होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अनुष्ठान जो है वो पूरी तरह से शुरू हो चुके हैं। कर्मकुटी पूजन करा रहे हैं आचार्य। और सीधे हम लोग करते हैं ऋषभमणि त्रिपाठी का, जो अयोध्या में ही मौजूद है, अयोध्या से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ऋषभ, पूजन शुरू हो गया है, किस तरीके से पूजन हो रहा है, कौन कौन से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, और प्रशासनिक अमले के साथ साथ बाकी तमाम साधु संतों और ट्रस्ट के लोगों का अब किस ओर फोकस है, क्योंकि 22 तारीख में ज्यादा वक्त नहीं है। अनुपम, देखिए, विवेक सृष्टि जहां पर कर्मकुटी पूजन चल रहा था, मैं अपडेट कर दूं न्यूज 18 के दर्शकों को, कर्मकुटी पूजन पूरा हो चुका है। और इस पूजन के उपरांत जो मुख्य यजमान है अनिल मिश्रा, वो सरयू घाट की ओर रवाना हो चुके हैं। उनके साथ मूर्तिकार अरुण योगी राज भी हैं। और इस पूरे धार्मिक कार्यक्रम को संपन्न कराने में जिनकी प्रमुख भूमिका है, गणेश शास्त्री द्रविड़, लक्ष्मीकांत दीक्षित, वो साथ में है। कर्मकुटी पूजन के बाद हाथ में एक कलश में जल लेकर सरयू की ओर निकल गए हैं। और जैसा देखने से प्रतीत हुआ है कि अनिल मिश्रा जो मुख्य यजमान है, उनका शौर्य कर्म भी हुआ है, उनके सिर के बाल बनाए गए हैं। और जैसा बताया गया है कि प्राश्चित सर्व प्राश्चित के तहत ऐसा करना आवश्यक होता है, लिहाजा वो किया गया है। तो कर्मकुटी पूजन अब पूरा हो गया है और अब सरयू की ओर अनिल मिश्रा रवाना हो गए हैं। और अगर जैसा बताया जा रहा है कि कल तक या आज देर रात भी रामलला की ये मूर्ति जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वो गणेश शास्त्री द्रविड़, लक्ष्मीकांत दीक्षित और जो 5 आचार्य हैं उनको सौंप दी जाएगी। फिर आगे के जो अधिवास हैं कि कैसे उस मूर्ति को औषधि के साथ रखना है, अन्न के साथ रखना है, जल के साथ रखना है, वो सारे अधिवास पूर्ण कराए जाएंगे। और 18 तारीख को उनका वहां पर जहां प्राण प्रतिष्ठा करनी है वहां पर स्थापित किया जाएगा, खड़ा किया जाएगा। और अगर पूरी अयोध्या की बात कर रही है तो धार्मिक अनुष्ठान हो गए, कदम कदम पर कण कण में आपको धार्मिक महत्व की चीजें दिखाई देंगी। मैं इस वक्त अयोध्या के बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे खड़ा हूं, आप देख सकते हैं कि जो यहां पर बस स्टॉप बनाए गए हैं उनमें भी एक धार्मिक जो विचार है अयोध्या का उसको मजबूत किया गया है कि भगवान श्री राम की तस्वीर है, पवनसुत हनुमान की तस्वीर है। आगे भी जितने भी आपको यहाँ स्टैंड दिखाई देते हैं वो कहीं ना कहीं से अयोध्या के जो धार्मिक
एक स्वभाव है या आध्यात्मिकता है उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ यही नहीं है, हर जगह सजाई संवारी जा रही है। अयोध्या वन विभाग की ओर से पौधे लगाए जा रहे हैं, उनको सुरक्षित रखा जाए उसके लिए ट्री गार्ड लगाए जा रहे हैं। तो जो मुख्य द्वार है, जो अयोध्या, बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ, आगे भी हम आपके पास आएंगे, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। रामला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी अपने अपने तरीके से भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों के साथ सुर में सुर मिलाकर रामला का भजन गाया। इस मंदिर को पाले हेतु, इस मंदिर को पाले हेतु बार बार संघर्ष हुआ, बार बार संघर्ष हुआ राम भक्तों के बलिदानों से, राम भक्तों के बलिदानों से मंदिर बनकर खड़ा हुआ, मंदिर बनकर खड़ा हुआ अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा धूमधाम से होना है, धूमधाम से होना है निमंत्रण को स्वीकार करो, निमंत्रण को स्वीकार करो सबको अयोध्या चलना है, अब सबको अयोध्या चलना है। अयोध्या की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था है अलर्ट पर है, आतंकी हमले को लेकर सभी सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं। अयोध्या से सटे सभी जिलों के बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने अयोध्या की सिक्योरिटी पर बातचीत की। जो कुछ ड्यूटियां ऐसी भी होंगी जहां पे हमें अपने सॉफ्ट स्किल, मधुर व्यवहार के से आम जो दर्शनार्थी आएंगे उनके दिल को जीतना है, तो ऐसे जगहों पे जहाँ पे कि सामान्य जनता या सामान्य श्रद्धालु जाएंगे वहाँ पे पुलिस की के अलग ड्रेस कोड बनाया गया है और ये सारे लोग बिना शस्त्र के होंगे, क्योंकि अन्य जो ड्यूटियां होंगी शस्त्र के साथ वो वर्दी में होगी। लेकिन हम लोगों ने इसमें, इस व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का भी बहुत इस्तेमाल किया है और हम कैमरे के दृष्टि से सब पे निगाह रखेंगे और हमारे जो सिविल ड्रेस में अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे वो ये सुनिश्चित कराएंगे कि अपने आने वाले श्रद्धालु को किसी तरह की कोई कठिनाई न हो। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश का माहौल राममय हो गया है। आम हो या खास, हर कोई राम की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। बागपत में भी राम भक्ति की एक अनोखी दास्तान सामने आई है। यहां एक राम भक्त को सपने में रामला के दर्शन हुए तो भक्त ने अपने स्कूल कैंपस में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवा दिया और अब यहां पर अयोध्या की तर्ज पर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। यहां विधि विधान के साथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हजारों लोगों को कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भेजा गया है। 10 साल पूर्व 2-3 बार 4 बार 6 बार भगवान राम जो है दर्शित हुए, उन्होंने दर्शन दिए और कुछ इच्छाएं अपनी जो मेरे मन में आई जागृत हुई, दिन प्रतिदिन प्रगति होती गई और एक ऐसी व्यवस्था बनी कि शायद प्रभु राम को जो है 22 जनवरी 2024 को ही अयोध्या के साथ यहाँ पर जो है श्री राम इंटर कॉलेज के इस प्रांगण में जो है प्रतिष्ठित होना था और उसी हिसाब से जो है सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं। कानपुर जिला कारागार में बंद कैदी भगवान रामला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम पताका तैयार कर रहे हैं। इसके लिए जेल प्रशासन ने बंदियों के लिए सिलाई मशीन की व्यवस्था की है। कानपुर जिला कारागार के बंदियों ने भी भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अपना सहयोग देने की इच्छा जाहिर की थी। जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां एक और पूरे देश में इसकी धूम देखने को मिल रही है, वहीं कानपुर के कारागार के बंदियों ने भी यहां दिन रात
काम करके राम पताका बनाई है। हजारों की संख्या में राम पताकाएं तैयार की गई है और भेजने की तैयारी की जा रही है। इस वक्त न्यूज 18 टीम जेल के द्वार पर खड़ी है। ऐसे जय श्री राम लिखे हुए राम पताका तैयार की गई है और हजारों की संख्या में इन्हें भेजने का इंतजाम किया गया है। ये डंडे और झंडे के साथ अयोध्या पहुंचेंगी और ये वो कारीगर हैं जिन लोगों ने, या ये वो बंदी हैं जिन्होंने कभी जेल के बाहर रह के हत्या, लूट, डकैती और जिन हाथों ने कट्टे लेकर अपराध किया, मगर अब वो श्री राम की इस पताका को बनाकर प्रायश्चित भी कर रहे हैं। अगर उन्होंने जाने अनजाने कभी कोई अपराध किया और उनके जबान पर सिर्फ एक चीज कार्य करते करते दोहराई जा रही है कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जनरल आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। अयोध्या में कई जगहों पर इंफ्रारेड आउटडोर हीटर लगाए गए हैं, इसे नगर निगम ने लगवाया है। कई लोग ठंड से बचने के लिए हीटर के सामने खड़े हैं। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे के कहर ने लोगों को परेशान किया हुआ है। सर हटिए, हटिए आप। भदोई के एक गांव के ग्रामीणों ने भगवान राम की भक्ति की अनोखी मिसाल पेश की है। जब अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली तब गांव में राम का मंदिर बन रहा था। इसी समय ग्रामीणों ने संकल्प लिया कि जब अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तब गांव के मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। 30 सालों बाद ग्रामीणों का संकल्प पूरा हो रहा है। दैवीय आपदा के कारण यह मंदिर ध्वस्त हुआ और गांव वालों के सहयोग से यह मंदिर का पुनरुद्धार हुआ और शंकर जी का मंदिर बनाया गया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा यहाँ श्री राम, सीता और हनुमान, लखन की मूर्ति की भी स्थापना की जाए। तो मंदिर का तो निर्माण हम लोगों ने छोटा सा गांव वालों के सहयोग से किया। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ चंपत राय की मीटिंग हुई है। ये मीटिंग सुरक्षा को लेकर की गई है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस अफसरों के संग चंपत राय की मीटिंग हुई है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा में सुरक्षा को लेकर यह बैठक की गई है। पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के लिपाक्षी जिले के वीरभद्र मंदिर पहुंच गए और वो यहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से 6 दिन पहले यहां पर पहुंचे हैं। रामायण में इस स्थान का वर्णन मिलता है। पीएम 11 दिन का विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज पीएम वीरभद्र मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि लिपाक्षी वह स्थान है जहां माता सीता का अपहरण कर ले जा रहे रावण ने जटायु को घायल किया था। रावण द्वारा गंभीर रूप से घायल होने के बाद जटायु लिपाक्षी में गिरे थे। मरते हुए जटायु ने भगवान राम को बताया कि माता सीता को रावण दक्षिण की ओर ले गया था, फिर भगवान राम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। तो लिपाक्षी की तस्वीरें, आंध्र प्रदेश के लिपाक्षी का क्या महत्व है ये हम आपको बता रहे हैं। वीरभद्र मंदिर में प्रधानमंत्री ने यहां पर पूजा अर्चना की। प्राण प्रतिष्ठा से पहले विशेष पूजा पाठ प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, वो तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। वीरभद्र मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां पर उनके द्वारा पूजा पाठ की गई। सियावर रामचंद्र की।
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी का 11 दिनों का विशेष और कठिन अनुष्ठान जारी है। इस बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूजा भी 16 जनवरी से शुरू हो चुकी है, जो कि 22 जनवरी को पीएम मोदी के हाथों संपन्न होगी। पीएम मोदी इस महा अनुष्ठान के मुख्य यजमान हैं, लेकिन 16 से 21 जनवरी तक पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा पूजा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी की अनुपस्थिति में मुख्य यजमान अनिल मिश्रा होंगे, जो पूजा में शामिल होकर यजमान का धर्म निभाएंगे। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।